स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैंने जो लास्ट क्लास में लेक्चर डिस्कस किया था उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि कोई भी लॉन्ग वायर हो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही होता था म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, याद होना चाहिए आपको। इसी पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छा, रूल भी होगा, इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होती है, फिर इनवर्ड और आउटवर्ड डिसाइड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाते थे। करंट ऊपर जा रहा है ऐसे पकड़ेंगे, थंब जाना चाहिए करंट की तरफ, सारे फिंगर्स इधर आ गए तो इधर आउटवर्ड इधर इनवर्ड। तो उसी पे एक क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा मैं। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना, दो वायर है, एक वायर ऐसे है एक वायर ऐसे है, दोनों में करंट आई जा रहा है, इसमें भी आई इसमें भी आई, दोनों वायर लॉन्ग है, इनफाइनाइट वायर है क्योंकि लेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पी पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए और बी है, तो ए का मतलब हो गया ये दूरी ए, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये डिस्टेंस, बी कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया ये दूरी वाई, ये दूरी हो गया बी। हमें पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो इस वायर से इस पॉइंट की दूरी ए, तो फर्स्ट की इंटेंसिटी म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए, जो दूरी है आर की जगह पे ए है। सेकंड वायर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, हम तो पी पे निकाल रहे हैं ना, तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, तो म्यू नॉट आई बाय टू पाई इंटू बी, दोनों की इंटेंसिटी आ गई। अब देखना है यहां पर इंटेंसिटी दोनों की किस तरफ है, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल पर इसका देखते हैं। फर्स्ट वायर का करंट ऊपर है, कैप हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखता हूं मैं, राइट हैंड थंब रूल, थंब चला गया करंट, सारी उंगलियां इधर आ गई, यानी इधर हो गया आउटवर्ड और इधर हो गया इनवर्ड। तो इसकी फील्ड इधर आउटवर्ड आ रही है, इसकी फील्ड इधर इनवर्ड आ रही है, तो पी पॉइंट तो इधर ही है, तो फर्स्ट की फील्ड यहां पर इनवर्ड। देखो फर्स्ट की फील्ड इनवर्ड, क्रॉस जो होता है इनवर्ड की पहचान। सेकेंड वायर की बात करता हूं, सेकेंड वायर में करंट देखो ऐसे जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल, थंब से पकड़ लिया, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, सारी उंगलियां नीचे आ गई, यानी इसके नीचे फील्ड आउटवर्ड, इसके नीचे ऊपर इनवर्ड, पॉइंट तो नीचे ही है, यानी इसकी फील्ड यहां पे आउटवर्ड है, तो पी पर भी आउटवर्ड होगी क्योंकि पॉइंट तो नीचे ही है, तो पी पॉइंट पे फील्ड आउटवर्ड। इसकी फील्ड इधर आ रही इनवर्ड, इसकी फील्ड इधर आ रही है यहां पर आउटवर्ड, तो एक फील्ड इनवर्ड एक फील्ड आउटवर्ड। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ जाए तो नेट कैसे निकालते हैं, माइनस करके, अगर वैल्यू वाइज हमें वैल्यू तो नहीं पता, सॉल्व करने पे ए और बी के अगर वैल्यू दे दे तो अगर बी वन बड़ा दिखे बी टू से तो बी वन माइनस बी टू, अगर बी टू की वैल्यू ज्यादा दिखे बी वन से तो बी टू माइनस बी वन, बट होगा नेट माइनस में क्योंकि एक आउटवर्ड है तो एक इनवर्ड है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि बी वन बड़ा है या बी टू बड़ा है। और जब माइनस करते हैं, जैसे बी वन बड़ा है बी टू से, तो नेट जो होगा बी वन माइनस बी टू वो बी वन की तरफ ही जाएगा, और अगर बी टू बड़ा होगा तो नेट बी टू की तरफ जाएगा। तो याद रखना, जब दो वेक्टर को डायरेक्शन वाली चीज को माइनस करते हैं तो नेट उधर ही जाता है जो वैल्यू बड़ी होती है। अगर b1 बड़ा है तो नेट b1 माइनस b2, और b1 अगर b1 के तरफ ही नेट जाएगा, b1 इनवर्ड तो नेट भी इनवर्ड। अगर b2 बड़ा होता है b1 से तो नेट b2 माइनस b1, b2 किधर जा रहा है आउटवर्ड, तो नेट भी जाता है आउटवर्ड। चलो अब एक टॉपिक शुरू कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अभी जो आपने पढ़ा था करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड, वो किसकी वजह से पढ़ा था, स्ट्रेट वायर की वजह से, बट अब फिर इंटेंसिटी पढ़ रहे हो क्योंकि कैसा भी करंट कैरिंग वायर हो वो तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो अभी जो आपने पढ़ा था वो स्ट्रेट वायर का पढ़ा था, लॉन्ग वायर का, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं सर्कुलर वायर का। तो जब सर्कुलर वायर लेंगे, जैसे एक सर्कुलर वायर लिया हमने जिसका करंट आई है, अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है आर कहीं सेंटर पे, सर्कुलर वायर की वजह से दो जगह पूछता है, सेंटर पे निकालो और बाहर एक्सिस पे निकालो। तो आज की क्लास में कहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, करंट वायर की वजह से सेंटर पे, याद रखना आज मैं पढ़ा रहा हूं सेंटर पे, आज मैं इंटेंसिटी निकाल रहा हूं कहां पर, सेंटर पे। क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब सर्कुलर वायर देगा ना तो उसकी वजह से इंटेंसिटी सेंटर पे पूछेगा, सेंटर पे। ये रहा करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, करंट क्या है आई, इस वायर का, इस सर्कुलर वायर का रेडियस क्या है आर। स्ट्रेट वायर की वजह से जो हम पढ़ते थे वहां फॉर्मूला मैंने बताया था, बट डेरिवेशन मैंने मना किया था कि सिलेबस में नहीं है, बट सर्कुलर वायर की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे सेंटर पे तो उसका डेरिवेशन है,
याद रखना, स्ट्रेट वायर का नहीं है पर सर्कुलर वायर का है, याद रखना इस बात को। तो जब डेरिवेशन करने की बारी आएगी तो शुरुआत बायोट सर्ट्स लॉ से करना पड़ेगा, क्योंकि बायोट सर्ट्स लॉ से ही हम शुरुआत करते हैं। तो क्या करोगे, अगर सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो सबसे पहले आप पूरे वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लोगे। देखो मैंने लिया है ना छोटा सा एलिमेंट, क्या नाम है एलिमेंट का, डीएल। पूरे लूप को भूल जाओ, पहले छोटा सा टुकड़ा कहीं पर उठा लो, कहीं पर भी एक एलिमेंट ले लो। ले लिया, निकालना कहां पर है, सेंटर पे। तो कहीं पर भी एलिमेंट लोगे तो उस एलिमेंट से सेंटर की दूरी तो वही होगी रेडियस। इट मींस यहां पे जो एलिमेंट और कहां पे, जहां पे निकालना है सेंटर पे, और एलिमेंट जब भी हम लेंगे तो सर्कमफेरेंस पे, तो सेंटर और सर्कमफेरेंस की बीच की दूरी रेडियस ही होगी। नंबर टू। नंबर थ्री, बायोट सर्ट्स लॉ में हम जो डीएल लेते हैं उसका एंगल देखते हैं किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। किसके डिस्टेंस के साथ, जहां पे निकाल रहे हैं और जहां तक एलिमेंट है। तो डिस्टेंस तो रेडियस होगा, और डीएल कटेगा कहीं पर भी काटोगे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी लोगे तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि कटेगा वो अलोंग द टेंजेंट। इसका मतलब ये हो गया कि इस फॉर्मूले में जो थीटा होगा वो 90 होगा। बायोट सर्ट्स लॉ क्या है, छोटे से एलिमेंट की फील्ड डीबी, फॉर्मूला मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल थीटा, थीटा के बारे में साइन थीटा, थीटा किसके बीच, उस डीएल के बीच और किसके बीच, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वहां से जो डिस्टेंस बनेगा उसके बीच। तो निकालना है सेंटर पे और डीएल कट होगा सर्कमफेरेंस पे, तो जहां पे निकाल रहे हो वो सेंटर है और डीएल कट हो रहा है सर्कमफेरेंस पे, तो सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी रेडियस ही होगी। इसका मतलब यहां जो आर होगा वही रेडियस होगा, वही डिस्टेंस होगा, किसके बीच, जहां पे निकालना है और जहां पे डीएल लिया है। तो रेडियस और डीएल हमेशा 90 डिग्री होंगे, क्योंकि डीएल कट होगा अलोंग द टेंजेंट, और टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 है, यानी इस फॉर्मूले में थीटा 90 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, वही जो आपने पढ़ा था बायोट सर्ट्स लॉ। तो पूरे लूप का निकालना है तो पूरे लूप को भूल जाओ, पहले छोटे से एलिमेंट का निकालो, कहां पे निकालना है सेंटर पे, तो छोटे से एलिमेंट का पहले सेंटर पे निकालो। फॉर्मूला में जो चाहिए वो सब यहां से देख लो, लिखा है मैंने, consider a circular wire with current I and radius R to find the magnetic field intensity at center or at axis. Axis में भी पढ़ाऊंगा, आज center पे है। We consider a small elemental part DL of current carrying loop at its circumference. Obviously, then the radius R will represent the distance between center, जहाँ पे निकालना है, and element DL. R radius ही distance होगा. Which cut along tangent. DL हमेशा along the tangent cut होगा. तो जब टेंजेंट के लॉन्ग कट होगा तो डिस्टेंस जो रेडियस है वो आपस में एलिमेंट और डिस्टेंस 90 डिग्री पे आ गए। सारे पैरामीटर्स को ले लिया और बायोट सर्ट्स लॉ लगा दिया। बायोट सर्ट्स लॉ होता किसके लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए, तो छोटा सा एलिमेंट लिया, क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आया छोटे से एलिमेंट का, बट हमें चाहिए पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड। तो अब छोटे से एलिमेंट से पूरे में जाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो जो आया है स्मॉल का उसको इंटीग्रेट कर दो तो वो पूरा बी आ जाएगा, बी का मतलब पूरे लूप का आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो मी नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट अपने आप नहीं बदल सकता कांस्टेंट, रेडियस जो है वही रहेगा कांस्टेंट, सब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल का होगा। डीएल एक एलिमेंटल लेंथ है जो बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, और डीएल की लिमिट क्या होगी, डीएल है क्या, छोटी सी लेंथ, बहुत छोटी होगी तो लिमिट जीरो, बहुत बड़ी होगी तो डीएल कितनी भी लंबाई बड़ी हो बड़ी हो बड़ी हो बड़ी हो, मैक्सिमम लिमिट इसकी 2πr सर्कमफेरेंस, तो लिमिट 0 से 2πr। बाकी रखो मी नॉट आई अपॉन 4πr स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल, 0 से 2πr लिमिट रखोगे, एल के जगह पे अपर लिमिट 2πr, लोअर लिमिट 0, खत्म करो। तो 2πr से 2π, 2π कट गया, 4π नीचे 2, 1r से 1r कट गया, फाइनल जो फॉर्मूला बचेगा मी नॉट आई बाई 2R। तो ये फाइनल फॉर्मूला है किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसकी वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से, कहां पर, सेंटर पे। कैसे डिराइव किया, डेरिवेशन आता है, पूरे को भूलकर पहले छोटा सा एलिमेंट लेंगे क्योंकि शुरुआत होगी बायोट सर्ट्स लॉ से, और बायोट सर्ट्स लॉ एलिमेंट के लिए होता है, बिना बायोट सर्ट्स लॉ की मदद से आप कर ही नहीं सकते। कौन से लॉ से कर रहे हो आप, बायोट सर्ट्स लॉ। जो जो चीज चाहिए वो डायग्राम में देखो रखो और डीएल को इंटीग्रेट कर दो, सब कांस्टेंट बाहर, मी नॉट आई अपॉन 2R पे फॉर्मूला आकर रुक जाएगा। तो अब मैं डायरेक्शन बताता हूं, मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया।
अब मुझे बतानी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो आपको अच्छे से पता है कि किसी भी जगह पे वहां पे परपेंडिकुलर होती है। अब परपेंडिकुलर में इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी ये डिसाइड करने के लिए, जैसे स्ट्रेट वायर में थंब रूल चलता था क्या कि थंब जिधर जाए वो करंट, जिधर ऑंगिया चली जाए उधर आउटवर्ड, उसके उल्टे तरफ इनवर्ड। बट यहां पे थंब रूल नहीं, यहां पे स्क्रू रूल चलता है, पेज का रूल। पेज का रूल क्या है? पेज को कभी आपने देखा है कि पेज को जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो पेज अंदर जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे पेज बाहर जाता है। तो वही चीज यहां है, किसी भी लूप में करंट दो ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्योंकि लूप बंद होता है। तो बंद में या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वही चीज है। जैसे क्लॉकवाइज घुमाने में पेज अंदर जाता है, उसी तरह क्लॉकवाइज अगर करंट का फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो होगी बट इनवर्ड होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है किसी लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। सेम कौन सा रूल चला यहां पे? बिल्कुल पेज का रूल चला, पेज वाला रूल जो आपको पता है। जिस तरह पेज को क्लॉकवाइज घुमाने में पेज अंदर जाता है ना, तो लूप में भी क्लॉकवाइज करंट घूमेगा तो फील्ड अंदर जाएगी। और जिस तरह पेज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे पेज बाहर आता है, स्क्रू बाहर आता है, तो उसी तरह करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड बाहर होगी। ये तो पक्की बात है कि परपेंडिकुलर होगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। मैं तो इनवर्ड परपेंडिकुलर, इनवर्ड और परपेंडिकुलर आउटवर्ड में पंगा था जो मैंने आपको बताया। तो अभी आपने जो देखा बोर्ड पे वो सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, ठीक है बच्चे। अब मैं यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, वो ध्यान से देखिएगा आप। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन आए तो कर देना स्मॉल एलिमेंट लेकर। डेरिवेशन तो बायट सोर्स लॉ से शुरुआत करना, बायट सोर्स लॉ से ही होगा। छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटे से एलिमेंट के बाद उसकी फील्ड निकालेंगे, और फील्ड निकालने के बाद उसको फिर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे, डीएल की लिमिट रख देंगे क्योंकि और सब चीजें कांस्टेंट होंगी। डीएल की लिमिट रखोगे जीरो से कहां तक, टू पाई आर तक, तो अपने आप फॉर्मूला बन के आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। जैसे बच्चे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल है करा रहा हूं, सुनना ध्यान से। एग्जांपल क्या है, मान लो मैं आपको दो सर्कुलर लूप दूं, एक सर्कुलर लूप, दो सर्कुलर लूप, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, करंट इसमें I, इसमें करंट I, ठीक है। और मैंने पूछा ये पॉइंट O, दोनों लूप क्या है, दोनों सर्कुलर लूप कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक है, एक ही सेंटर है। मैं क्या पूछ रहा हूं, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। सेंटर यानी क्या, कौन सा पॉइंट O। सॉल्यूशन आराम से जवाब देना, कोई बड़ी चीज नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दो, दोनों सर्कुलर लूप है, दोनों की अपनी अपनी फील्ड होगी। अभी मैंने पढ़ाया फॉर्मूला, करंट दोनों में सेम है, तो R1 यानी फर्स्ट का B1 लो। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, टू आर वन। फॉर्मूला भी तो पढ़ाया दो मिनट पहले। करंट कैसे जा रहा है इसमें देखो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या मैंने कहा था, फील्ड बाहर आती है, यानी फील्ड होगी आउटवर्ड, पेज वाला रूल। अब बताओ B2, B2 क्या होगा, मी नॉट आई अपॉन टू आर टू। फॉर्मूला तो वही है, रेडियस बदल गया, बट इसमें देखो तो करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो इसकी फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। हो गया खत्म, एक इनवर्ड फील्ड आ रही है यहां पर, एक की आउटवर्ड आ रही है, एक की फील्ड अंदर है परपेंडिकुलर, एक की फील्ड बाहर है। अब जरा बताना, यहां पे डायग्राम देखोगे तो साफ दिखेगा कि R2 R1 से बड़ा है। देखो ये रेडियस बड़ा है, तो R2 अगर R1 से बड़ा हो जाएगा तो फिर तो क्या हो जाएगा बेटा, B2 फिर B1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, नीचे की चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना कम हो जाएगा। तो B2 B1 से बड़ा है, और एक फील्ड इनवर्ड है, एक फील्ड आउटवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर B नेट क्या हो जाएगा बताना, B1 माइनस B2। याद है ना, बड़ी फील्ड माइनस छोटी फील्ड, कौन बड़ी फील्ड है, B2 छोटा है B1 से, ऐसे लिख दो, B1 बड़ा है B2 से, बात वही है। तो फील्ड जो बड़ी होगी उधर ही नेट जाएगा, B1 माइनस B2। माइनस क्यों किया, क्योंकि एक की फील्ड इनवर्ड है तो एक की फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है।
B1 बड़ा है तो नेट भी B1 की तरफ जाएगा, B1 किधर है आउटवर्ड, तो आपका जो नेट होगा वो भी किधर होगा आउटवर्ड। दोनों में करंट एक डायरेक्शन में होता तो या तो फील्ड आउटवर्ड होती या दोनों की फील्ड इनवर्ड होती, तो सीधे प्लस कर देते, कोई बड़ी बात नहीं थी, वहां पर तो कोई पंगा था ही नहीं। तो ये जो क्वेश्चन देखा आपने ये था कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। अब बच्चे ध्यान से देखना, अगला एग्जांपल मैं करा रहा हूं, ये देखो आप, सॉरी यहां भी देखो आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक लूप है, लेकिन दोनों में दोनों डायग्राम में फर्क है, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, इसमें करंट I, इसमें भी करंट I, सेंटर पे निकालना है। तो दोनों सवाल में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताओ, ये भी कॉन्सेंट्रिक, ये भी कॉन्सेंट्रिक, ये भी एक ही कॉमन सेंटर, ये भी कॉमन सेंटर, बट फर्क है कि यहां दोनों एक ही प्लेन में थे, बट यहां प्लेन भी परपेंडिकुलर है। देखो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक वर्टिकल प्लेन में है, तो जरा मुझे बताना, ध्यान से बताना, ये कौन से प्लेन में है, आराम से जवाब दबा देना। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है बेटा, इसकी जो फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन होगी। बोलोगे ये कैसे सर, इसमें क्या सोचना है, मैंने पढ़ाया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो इसकी फील्ड वर्टिकल जाएगी, ठीक है। अब मुझे जवाब दीजिएगा ध्यान से, ये इसके बारे में बात करो, इस वाले के ये बताओ कौन से प्लेन में है, ये साफ दिख रहा है कि ये प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन, जो ये वाला है ना सेकंड वाला, ये कौन से प्लेन में, देखो वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन में होगी तो इसकी फील्ड क्या होगी बताना, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी। बोलोगे कैसे हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है, फील्ड हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो उसकी फील्ड वर्टिकल में जाएगी, अगर वर्टिकल प्लेन में है कोई लूप तो उसकी फील्ड हॉरिजॉन्टल जाएगी, क्लियर। सो यहां पे क्या देखने को मिला, पहले B1 की वैल्यू बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2R1 B1, B1 कौन है, फर्स्ट ये है ना, ये वाला ना फर्स्ट, देखो रेडियस ये वाला, ये फर्स्ट, करंट कैसे जा रहा है इसमें, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड क्या हो जाएगी आउटवर्ड। बात करते हैं B2 की, B2 क्या है, ये है सेकंड, ये है R2, ये रेडियस वाला, इसमें करंट कैसे जा रहा है, देखो क्लॉकवाइज, तो B2 होगा फॉर्मूले के हिसाब से क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2R2, करंट क्लॉकवाइज है तो फील्ड क्या होगी, इनवर्ट होगी। अब बोलोगे सर एक की फील्ड आउटवर्ड एक की फील्ड इनवर्ड, तो नेट निकालने के लिए आपको दोनों को माइनस करना पड़ेगा, बट यहां ऐसा नहीं है, यहां पे साफ दिख रहा है कि जो B1 है वो B2 के परपेंडिकुलर है। आप देख लो, चेक कर लो आप, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था उसकी फील्ड तो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, और जो वर्टिकल प्लेन में था उसकी फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि फील्ड तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इट मींस कि जब दो लूप के प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब परपेंडिकुलर हो जाएगी, और आपने अच्छे से पढ़ा है कि जब दो वेक्टर, दो डायरेक्शन वाली चीज एक डायरेक्शन में चले जाए तो प्लस किया जाता है, दो डायरेक्शन वाली चीज अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो माइनस किया जाता है, लेकिन जब दो डायरेक्शन वाली चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तब परपेंडिकुलर निकालने के लिए याद करो ना प्लस किया जाता है ना माइनस किया जाता है, क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर करके फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर याद करो। तो देखो ये भी सेंटर पे निकालना था, ये भी सेंटर पे निकालना था, ये भी कॉन्सेंट्रिक था, ये भी कॉन्सेंट्रिक था, बट वो एक ही प्लेन में था तो इनवर्ड आउटवर्ड के हिसाब से यह प्लस माइनस होगा, बट जब प्लेन परपेंडिकुलर हो जाते हैं लूप के तो फील्ड भी परपेंडिकुलर हो जाती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो फील्ड वर्टिकल चली जाएगी, जो वर्टिकल प्लेन में होगा उसकी फील्ड हॉरिजॉन्टल जाएगी। तो आप खुद ही चेक करो, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है उसकी फील्ड वर्टिकल, जो वर्टिकल प्लेन में है उसकी फील्ड हॉरिजॉन्टल, तो प्लेन परपेंडिकुलर हुए तो फील्ड भी परपेंडिकुलर हो गई, तो जो दोनों की फील्ड निकलेगी ना प्लस करना ना माइनस करना, जब दो कोई भी डायरेक्शन वाली चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो नेट निकलता है अंडर रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सेकंड का स्क्वायर।
अब बच्चे क्लास क्वेश्चन करा दूं, अभी तो और अगली क्लास में कराऊंगा मैं, देख रहा हूं। एक लूप है आपके पास, ध्यान रखना, इफ अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कन्वर्ट इन एन लूप, याद रखना, एक सर्कुलर लूप अगर एन लूप में कन्वर्ट हो जाए, एन एक ही लूप है पर वो छोटे 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 एन लूप में बदल गया, तो मुझे बताओ, आराम से बताना, देन जब वो सिंगल लूप था, अकेला लूप था, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे क्या होगी? फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। लेकिन जब वो नाउ फॉर एन लूप, अब मान लो वो एन लूप में बदल गया, अब वही लूप छोटे छोटे एन लूप में बदल गया, सेम लूप है वो एन लूप में बदल गया, तो एन लूप में बदल जाएगा तो क्या होगा? ध्यान से बताना, सोच के बताना बेटा, तो जो करंट है वो आई नहीं हो जाएगा, अब एन टाई हो जाएगा, एन टाइम्स, क्योंकि जब लूप बढ़ेंगे, जब लूप बढ़ता जाएगा, जितने एक एक को खोल दो बड़ा था, आपने छोटे 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 उसी को लेकर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कई बना दिए, तो करंट तो सब में आ जाएगा, तो करंट विल बिकम एन टाइम्स। लेकिन जो रेडियस होगा, जो साइज होगा, वो घट जाएगा, ऑब्वियसली घट जाएगा। मान लो एक बड़ा था वो चार में बदल गया, तो रेडियस वन फोर्थ हो जाएगा। तो एक ही लूप को अगर आप एन लूप में बदल दो तो रेडियस विल बिकम, जितने में बदलोगे आर बाई एन, और करंट एन आई। तो अब बताओ, ध्यान से बताना, नाउ अब सेंटर पे क्या हो जाएगा बताना, म्यू नॉट आई के जगह पे आप क्या लोगे? एन आई अपॉन टू आर के जगह पे क्या ले लोगे? आर बाई एन। ये एन ऊपर चला गया तो बी सेंटर पे जो आया, ध्यान से देखो, एन इंटू एन एन स्क्वायर, और बाकी तो पहले वाला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, मतलब जो सिंगल था, जो सिंगल लूप के लिए था, उसका एन स्क्वायर टाइम्स। तो आप क्या बोलोगे? सो ये किसका था बताओ? ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये किसकी थी? ये एट सेंटर पे थी ना बेटा, लेकिन किसके लिए थी? फॉर सिंगल लूप के लिए थी। और ये भी सेंटर पे आया, ये किसके लिए आया? एन लूप के लिए आया। तो साफ दिखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एन स्क्वायर टाइम्स हो गई। यस, यही मैं बताना चाह रहा था कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करोगे, आपके पास एक लूप है और वो एक लूप, वही एक लूप, सेम लूप, छोटे छोटे उसी को खोलकर, बड़ा लूप है और उसको खोलकर छोटे 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 एन लूप में बदल दो, तो आई को रिप्लेस कर देना एन आई से, कि करंट सीधे एन टाइम्स हो जाएगा और रेडियस उतना टाइम्स घट जाएगा, साइज छोटे हो जाएंगे ना, और रखोगे तो एन स्क्वायर एक नया नंबर आ जाएगा मी नॉट आई बाई टू आर के साथ, यानी कि सेंटर जो सिंगल लूप था उसके मल्टीपल में एन स्क्वायर आ जाएगा। तो सेंटर पे ये भी सेंटर पे, ये सिंगल लूप का था, ये एन लूप का था, तो क्या बोलोगे? सर अगर एन लूप में कन्वर्ट करोगे तो अब जो सेंटर पे फील्ड आएगी वो सीधे पहले की एन स्क्वायर टाइम्स आ जाएगी। एक लूप अगर चार लूप में बदल गया, चार पे एन फोर हो गए, तो इंटेंसिटी अब फोर स्क्वायर 16 टाइम्स बदल जाएगी। एक लूप अगर तीन लूप में बदल गया तो अब सेंटर पे जो इंटेंसिटी होगी वो 9 टाइम्स बदल जाएगी, याद रखना। तो ये भी सेंटर पे था, ये जो देख रहे हो ना बेटा, ये भी सेंटर पे था और अभी जो आया ये भी सेंटर पे आया। फर्क है कि वो सिंगल लूप का था और ये वही सेम लूप जब एन में बदल गया तो सिंगल लूप का एन स्क्वायर टाइम्स आ गया। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस कराए, अभी तो अगली क्लास में और भी डिस्कशन होना है। अगली क्लास में मैं इस पे अभी और एक क्लास दूंगा सर्कुलर लूप पे, कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर लूप के एक्सिस पे बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप स्टडी करना और मैं पिक भेजूंगा, इसको नोट्स बना लेना, अच्छे से बना लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू।